हाँ जी निर्वाण माने वाणी से परे, निह माने रहित, वाणी शरीर से आती है या डायरेक्ट आत्मा से आती है? शरीर है तो वाणी है, शरीर ही नहीं तो वाणी भी नहीं। भक्ति मार्ग में कहते हैं निर्वाण गया, निर्वाण गया अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त हो गया। तो जो भक्ति मार्ग में कहते रहे महात्मा बुद्ध निर्वाण गया, पार निर्वाण गया, गुरु नानक पार निर्वाण गए, शंकराचार्य पार निर्वाण गए, तो क्या वो शरीर के बंधन से मुक्त हो गए? अगर ऐसे ही शरीर के बंधन से मुक्त होते जाएं, तो इस दुनिया की आबादी बढ़ेगी या घटेगी? है तो घटती जानी चाहिए, दुनिया की आबादी तो बढ़ती ही जाती है। इससे साबित होता है कोई भी वाणी से परे नहीं जाता, सब की आत्मा देह के बंधन में और ही बंधती जाती है। तो पार निर्वाण जाना माना देह के बंधन से मुक्त हो जाना, उसे कहते हैं निर्वाण। और मोक्ष, मोक्ष माने छुटकारा। वो समझते हैं कि इस दुनिया से सदैव के लिए आत्मा मोक्ष को पाती है, अगर सभी आत्माएं मोक्ष को पाती रहें इस दुनिया से सदा काल के लिए मुक्त हो जावे तो ये दुनिया रहेगी। एक तरफ कहते हैं आत्मा अविनाशी है और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा मोक्ष को पाती है, सदा काल के लिए मोक्ष हो जाता है। और भगवान के लिए क्या कहते हैं? भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो मनुष्य आत्माओं की आत्मा ऊंची हुई या भगवान की आत्मा ऊंची हुई है? भगवान जन्म मरण के चक्र में आता है, भगवान को इस सृष्टि पर बार बार आना पड़ता है, और आत्माएं कहते हैं मोक्ष को पाती है। तो ये बात कोई बनती नहीं है, सदा काल के लिए मोक्ष कोई आत्मा का नहीं होता। जब भगवान के लिए कहते हैं जन्म जन्म लगी प्रभु अवतारा, गीता में लिखा है संभवामि युगे युगे, तो मनुष्य आत्माओं का हमेशा के लिए मोक्ष कैसे हो सकता? तो ये भी बात रंग हो जाती है। वो समझते हैं कि आत्मा पानी का बुदबुदा है,
सागर में से बुदबुदे निकलते हैं और सागर में ही मिल जाते हैं, परंतु सागर से एक चुल्लू पानी लें, उसे एक चुल्लू पानी में जो कीटाणु हैं, उसे एक चुल्लू पानी को सागर में ही फेंक दें तो वो एक चुल्लू वापस आएगा? उसे एक चुल्लू के गुणधर्म कभी वापस नहीं आ सकते। और यहां तो हर आत्मा में 84 जन्मों के गुणधर्म भरे पड़े। आत्मा एक प्रकार से अविनाशी रिकॉर्ड है, अविनाशी रिकॉर्ड ऐसे है कि वो कभी घिसता नहीं है। तो निर्वाण जाना, मना आत्मा सुसुप्त की स्टेज में चली जाती है। जैसे इस दुनिया में आत्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न अवस्था। ऐसे ही आत्मा की भी तीन अवस्थाएं हैं। परमधाम में जब आत्मा रहती है तो जैसे सुसुप्त स्टेज में चली जाती है, जड़वत हो जाती है, कोई पार्ट नहीं। फिर जब इस दुनिया में आती है तो जागृत अवस्था में होती है। कारण या कारणे अगर अकाले मौत में शरीर छूटता है तो जैसे स्वप्न में चली जाती है। अर्थात आत्मा इस पांच तत्वों की दुनिया को छोड़ करके जब नाटक पूरा होता है बेहद का, तो आत्मलोक में वापस जाती है। सुसुप्ति प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई बहुत काम करते हैं तो थक जाते हैं ना, थक जाते हैं तो क्या करते हैं फिर, हैं? सो जाते हैं, सुसुप्ति में चले जाते हैं। ऐसे ही आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते थक गई है, तो आत्मा को निर्वाण धाम में जाना होता है। जो कमजोर होते हैं वो जल्दी थकते हैं, या जो मजबूत होते हैं वो जल्दी थकते हैं। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर भी पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कोई तो ऐसी कमजोर आत्माएं हैं कि एक तो जन्म लेने से ही थक जाती है। जो कमजोर होते हैं उनको ज्यादा आराम की जरूरत होती है, या जो पावरफुल होते हैं उनको ज्यादा आराम की जरूरत होती है। तो जो बहुत कमजोर आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, बहुत थोड़ा पार्ट बजाने से ही थक जाती हैं, वो लंबे समय तक परमधाम में पड़ी रहती है। और जो पावरफुल हैं, जिन्होंने भगवान बाप के आने पर अपनी बैटरी को अति चार्ज कर लिया है, फुल चार्ज किया है, वो 84 जन्म पार्ट बजाती रहती हैं, तो भी उतनी नहीं थकती, सिवाय अंतिम जन्म के।
अंतिम जन्म में भी वो परमधाम वापस जाना चाहती हैं, परमधाम में जाकर के सुसुप्ति चाहती हैं या जागृत अवस्था में रहना चाहती हैं? वो ऑलराउंडर पार्टधारी हैं, बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, सितारों के बच्चे हैं, चंद्रमा के बच्चे हैं या डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं? ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। जैसे सूर्य कभी सोता है, सूर्य सदैव रोशनी देता है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य के बच्चे इस सारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं। थकने वाले नहीं है, मोक्ष तो उन्हें चाहिए ही नहीं, अभी भी जो अपन को बाप का बच्चा समझते हैं वो इस दुनिया से निजात पाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि बाप जितना ज्यादा बना रहे उतना अच्छा है, जितना ज्यादा लंबे समय तक बाप रहे उतना ही अच्छा। भले ये भी जानते हैं कि दुनिया में दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं, बल दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमको छत्र छाया किसकी मिली हुई है? बाप की छत्र छाया मिली। तो मोक्ष और निर्वाण है, ये भक्ति मार्ग वालों के बात, भक्ति मार्ग वालों की बातें हैं। और बाबा बीके वाले कहते हैं तुम्हारे बाबा चश्मा क्यों लगाते हैं? बताओ कि राजाएं ज्यादा पवित्र रहे भारत के या भारत की रानियां ज्यादा पवित्र रहे? और रानियों में सबसे बड़ी रानी कौन मानी जाती है? भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को पटरानियां थी, रानियां थी, लेकिन पटरानियों से भी जास्ती, रानियों से भी जास्ती पवित्रता की ताकत किसमें थी? महारानी में। और महारानी कौन? राधा महारानी। लेकिन वो राधा महारानी चंद्रमा को फॉलो करने वाली चंद्रवंशी थी या सूर्यवंशी थी? चंद्रवंशी थी। तो जो चंद्रवंशी रानी है उसमें प्योरिटी ज्यादा रही। तो चश्मा आंखों में लगेगा अंतिम जन्म में, है? जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी, जन्म जन्मांतर की प्योरिटी होगी, तो इंद्रियां कमजोर होंगी या पावरफुल होंगी? पावरफुल होती, उनको चश्मा नहीं लगेगा। और जो भारत के राजा हैं बहुत पतित बने, बहुत इंद्रियों की शक्ति छीण कर दी, तो इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? आंख है। तो आंखों में चश्मा लगना चाहिए अंतिम जन्म में, नहीं लगना चाहिए? है, लगना चाहिए। लेकिन भगवान पवित्र सन्यासियों के लिए आता है या अपवित्र गृहस्थियों के लिए आता है? हैं?
अपवित्र गृहस्थियों के लिए आता है। गृहस्थी जो अंतिम जन्म में गिरी हस्ती वाले बन जाते हैं, उन गिरी हस्ती वालों को बाहर की दुनिया में कहते हैं ये हरिजन है, नीच दृष्टि से देखते हैं या ऊंची दृष्टि से देखते हैं? नीची दृष्टि से देखते हैं। और भगवान उनको ऊंची दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान पतितों को पावन बनाने आया है या पावन को पावन बनाने आया है? हैं? पतितों को पावन बनाने आया है। जो पतित हो गए हैं उनकी इंद्रियां भी पतित हो गई, अशक्त हो गई, इसलिए जो सबसे जास्ती पुराना है वो ज्यादा कमजोर होगा या बाद में आने वाला जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर बाद में आता है वो कमजोर होगा? कृष्ण ज्यादा कमजोर होगा अंतिम जन्म में, कृष्ण के फॉलोअर्स ज्यादा कमजोर होंगे या राम राजा कहा जाता है वो राम वाली आत्मा ज्यादा कमजोर होगी? सीढ़ी में क्या दिखाया है? कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में खड़ी हुई है और राम वाली आत्मा पड़ी हुई है। तो जो ज्यादा जन्म लेते हैं, ज्यादा पार्ट बजाते हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं, वो ही कमजोर हो जाते हैं। उनको ही ज्ञान देने के लिए भगवान बाप आता है या राधा को ज्ञान देने के लिए आता है? राधा को भी ज्ञान देने आता है लेकिन सिर्फ बेसिक नॉलेज। जो राधा है और राधा की भी जो भुजाएं हैं, संगी साथी सहेलियां हैं, वो ज्यादा ज्ञान लेती हैं या राम राजा और उसके सहयोगी ज्यादा ज्ञान लेते हैं? ज्ञान की जास्ती दरकार किसको है, पवित्र को या अपवित्र को? जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको ज्ञान की दरकार है। जो हैं ही जन्म जन्मांतर के पवित्र सन्यासी ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक नॉलेज का जब फाइनल हुआ एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई, तो ज्ञान किसको मिला? भगवान का एडवांस में। गृहस्थियों को मिला या सन्यासियों को मिला? सन 76 से जो भी एडवांस ज्ञान मिला है वो सब गृहस्थियों को मिला है। और मुरली में पहले से ही बता दिया, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले जो बाहर से गृहस्थी आते हैं कि ज्ञान का क्लास करने के लिए वो ले जावेंगे। अंदर वाले माने जो सरेंडर हैंड्स हैं बेसिक में वो रह जावेंगे और बाहर वाले माने गृहस्थी लोग ले जावेंगे। तो ऐसा ही हुआ ना, है? ऐसा ही हुआ। अभी फिर एडवांस में भी फिर ऐसा ही होगा क्या? है? हाँ नहीं नहीं, बेसिक वाले तो भले आ जाए तो भी रानी की रानी ही रहेंगे, राजा बन जाएंगे। फास्ट राजा को कहेंगे या रानी को कहेंगे? हाँ? बाबा राजा बनाने आया है, स्वाधीन बनाने आया है या आधीन रानी बनाने आया है? स्वाधीन बनाने आया है। जो स्वाधीन बनते हैं उनको ज्ञान आकर सुनाता है, समझाता है,
कि सन्यासियों का नंबर बाद में लगता है, है? सन्यासियों का नंबर बाद में लगता है। हाँ ये जरूर बोला है, जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। विजय माला कब बनेगी? जब सन्यासी निकलेंगे। पहले बेहद के सन्यासी निकलेंगे कि हद के सन्यासी निकलेंगे? जो बेहद के सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम्हारे तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और रावण जब सीता माता को उठा के ले गया, फिर राम चुरा के ले आए, तो फिर रात से निकाल की है? सीता माता को रावण उठा के ले गया, फिर राम चुरा के ले आए, फिर रात से क्यों निकाल दिया? हाँ बाबा कहते हैं हमें किसका किसका प्रिय बनना है, है? बाप का प्रिय बनना है और है? आत्मा को भी प्रिय लगे वो भी बनना है या नहीं बनना है? और ब्राह्मण परिवार का प्रिय बनना है या नहीं बनना है? है? तो राम के लिए उनका परिवार उनकी प्रजा थी या नहीं थी? सीता जब रावण की जेल से आ गई तो प्रजा के लोग प्रिय समझते थे राम को? सबने राम को प्रिय समझा या नहीं समझा? समझा है? अरे धोबी ने समझा है? नहीं समझा? सारी प्रजा को प्रसन्न रखना है, विश्व महाराजन बनना है, या कोई को प्रसन्न रखना है कोई को नहीं रखना है? सबको प्रसन्न रखना है। परिवार पसंद भी बनना है, स्वपसंद भी बनना है और बाप पसंद भी बनना है। तो ये फाउंडेशन कहां पड़ता है? जो नारायण बनेगा उस नारायण के पार्ट से सब प्रसन्न रहेंगे, विश्व महाराजन से सारा विश्व प्रसन्न होगा, या कोई धर्म की आत्माएं अप्रसन्न भी बनी रहेंगी? सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए सीता की यज्ञ परीक्षा ली भी, पास भी हुई, फिर भी क्या किया? प्रजा को प्रसन्न करने के लिए प्रजा अंदर से ये समझे कि अच्छा कार्य हुआ है या बुरा कार्य हुआ है, अंदर से फीलिंग आए, प्रजा को भी पश्चाताप हो कि हमने जो ग्लानी की है वो ग्लानी मुनासिब नहीं थी, इसलिए ऐसी परीक्षा ली। राजा का काम प्रजा को प्रसन्न रखना है या पत्नी को प्रसन्न रखना है? है प्रजा को प्रसन्न रखना। प्रजा माने बच्चा, बच्चे की अहमियत ज्यादा होती है या पत्नी की अहमियत ज्यादा होती है? वर्षा किसको दिया जाता है? बच्चे को दिया जाता है। और तो बाबा मुकर चैतन्य में शंकर पे सवार है तो भक्त लोग नंदी को क्यों समझ लेंगे? नंदी को क्यों नंदी को समझ लेंगे? अभी तो मुकर चैतन्य में भक्त समझेंगे क्यों? भक्तों को तो अज्ञानी कहा जाता है या ज्ञानी है?
उनको तो ज्ञान है ही नहीं कि शिव के मंदिर में लिंग का पार्ट किसका है, और लिंग में जो ज्योति बिंदु रखा है वो पार्ट किसका है, और जो नंदी रखा हुआ है वो पार्ट किसका है, और नंदी से भी दूर कछुआ रखा है वो पार्ट किसका है, मालूम है? मालूम है उनको? लगता है आपको भी नहीं मालूम है। शिव के मंदिर में जो लिंग के अंदर बिंदु है वो शिव है, आत्माओं का बाप। वो बिंदु अति सूक्ष्म है, दुनिया में सबसे जास्ती सूक्ष्म पार्टधारी कौन है, कौन सी आत्मा है, है? जो सबकी समझ में नहीं आता है। कोई बिरला एक है जिसकी समझ में पूरा आता है, इतना सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है या भैंस बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ होता है? सूक्ष्म बुद्धि वाला ज्यादा श्रेष्ठ। तो वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो रखा है लिंग में वो शिव का पार्ट है, ऊंचते ऊंच का पार्ट, जो बापों का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप, एडम और आदम, और एडम आदम का भी बाप शिव बाप। लेकिन वो शिव बाप किसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है वो लिंग के रूप में दिखाया गया। जिसके लिए कहते हैं कि सब देवताओं के अंग अंग पूजे जाते हैं, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद, लेकिन मेरा क्या पूजा जाता है? लिंग ही पूजा जाता है, और लिंग किसकी यादगार है? लिंग उसकी यादगार है जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। आदि में भी प्रवेश किया, मध्य में भी है और अंत में भी है। वो लिंग के रूप में जो पार्टधारी है उसको हाथ पांव नाक आंख कान दिखाते हैं? क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि उसके पुरुषार्थ की स्टेज अंत में जाकर ऐसी बनती है जैसे आंखें होते हुए भी नहीं है, कान होते हुए भी नहीं है। कान सारी दुनिया की ग्लानि सुनते हैं लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनते, नहीं तो किसी के सामने किसी की थोड़ी ग्लानि कर दो तो आग बबूला हो जाता है। और बाप कहते हैं इस दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानी किसकी होती है, हैं? कौन से बाप की ग्लानी होती है? शिव बाप की ग्लानी होती है या मनुष्य सृष्टि के बाप की ग्लानी होती है? शिव की तो ना ग्लानी होने की बात है और ना उसकी महिमा होने की बात है। वो निर्गुण है या सगुण है? जिसके गुण कहे ही नहीं जा सकते। क्यों नहीं कहे जा सकते? वो तो अभोक्ता है। जो भोगी है उसमें गुण और अवगुण आते हैं या जो अभोक्ता है उसमें गुण अवगुण आवेंगे?
भोगी के लिए कहा जाता है। देवताएं भी भोगी होते हैं या नहीं होते हैं? भ्रष्ट इंद्रियों से भोग नहीं करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों से भोग तो करते हैं ना। सुख भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? सुख भोगते हैं तो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती हैं। तो जो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती हैं, गुणहीन बनते जाते हैं, वो आत्माएं, और जो कभी भी भोगी नहीं बनता, पतित से पतित तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित गांव में आता है, लेकिन फिर भी भोगी नहीं बनता है, तो वो बुद्धियोग से ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? वो सदैव ऊपर रहता है। जिसमें प्रवेश करता है वो पुरुषार्थी है या भगवान है? पुरुषार्थी है। शंकर को पुरुषार्थी किस आधार पर कहें? क्या प्रूफ है कि वो पुरुषार्थी है? याद में बैठा है, याद में बैठा है, इससे साबित होता है कि पतित है। याद किसको करना होता है? पतित को या अपवित्र को याद करना है या पावन को याद करना है? जो पावन बन जाते हैं उन देवताओं को तो याद करने की दरकार नहीं, वो सिर्फ स्वस्थिति में स्थित होकर रहते हैं। तो जो लिंग रूप है वो पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज पर पहुंचने पर उसकी यादगार लिंग बनती है। यादगार संपन्न रूप की बनती है या अधूरे रूप की बनती है? संपन्न रूप की यादगार बनती है। तो मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है वो संपन्न स्टेज की यादगार है। आंखें होते हुए भी जैसे कि आंखों से देखता ही नहीं है। बाबा रोज रोज क्या डायरेक्शन देते हैं? इस दुनिया को देखो या नहीं देखो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए सुनो या नहीं सुनो। तो ऐसी स्टेज बन जावे कि जैसे इंद्रियां हैं ही नहीं, ऐसी आत्मिक स्टेज जब बन जाती है तब वो लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो बिंदु के सबसे नजदीक कौन हुआ? हैं? कौन सा पार्टधारी सबसे नजदीक हुआ? हैं? अरे लिंग पार्टधारी ही सबसे नजदीक हुआ, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश है वो सबसे नजदीक हुआ। उसके बाद किसको दिखाते हैं? है? हाँ, जलाधारी अर्थात माता को दिखाते हैं। स्त्री चोला दिखाया हुआ है, वो माता उतना नजदीक नहीं है शिव ज्योति बिंदु बाप के सुप्रीम सोल के जितना लिंग नजदीक है। फिर जलाधारी की भी नाली के अंत में कौन दिखाते हैं? हैं? नंदी को दिखाते हैं। तो नंदी उसके बाद वाली स्टेज हुई, और कछुआ को उससे भी नीचे दिखाते हैं, दूर दिखाते हैं कि नजदीक दिखाते हैं? हैं? उससे भी दूर दिखाते हैं। और जो भारत माता है और सुंदर की माता दोनों एक ही अलग है? भारत तब कहा जाता है
जब धरणी का सात्विक रूप है, धरणी माने हैं कन्याएं माता है, बेहद में धरणी कहा जाता है कन्याओं माताओं, लेकिन कन्याओं माताओं में भी सात्विक रूप कौन सा है? कन्याएं और माताएं दोनों सात्विक रूप हैं या कोई एक है एक नहीं है? हैं? कौन है सात्विक रूप? अभी कन्या और माताओं की बात हो रही है, वो बताओ। कन्याएं सात्विक रूप है, क्यों सात्विक रूप है? हैं? क्योंकि पवित्र है। माता शादी होने के बाद अपवित्र हो गई, अपवित्र हो जाती हैं, तो उनका रूप स्वरूप कन्या जैसा नहीं दिखाई देता। जितनी भी देवियां हैं वो कन्या के रूप में दिखाई जाती हैं या माता के रूप में दिखाई जाती है? कहते हैं माता, लेकिन वास्तव में है कन्या। क्यों? अरे देवियों को माता माता कह के चिल्लाते हैं भक्ति मार्ग में या नहीं चिल्लाते हैं? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो माता कहते हैं या कन्या कहते हैं? फिर क्यों कहते हैं माता? हैं? सबका पति शिव को बोलता है ना, सबका पति शिव। हाँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े गुरुओं ने गाया है, कबीर ने भी गाया है और गुरु नानक ने भी गाया है। क्या गाया है? चदरिया भीनी बीनी रे, सो चादर सुर नरम न्योड़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर अपने को भगवान मानते थे कि नहीं मानते थे? हम मानते थे। तो कहते हैं दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। माने कन्या को कन्या के रूप में ही रख दिया, वो माता माता नहीं बनी, वो कन्या रूपी चादर सुर नर मुनि कोई भी कैटेगरी का मनुष्य आत्मा क्यों न रही हो दुनिया में, सब मैली करने वाले हैं, उसका रूप स्वरूप बिगाड़ने वाले हैं। और ये गायन किसका है? जीव की त्यों दर्दी नीचे दरिया, किसका गायन है? एक शिव बाबा का गायन है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है उसकी इंद्रियों को ऐसा कंट्रोल करके रखता है कि वो अमोघ वीर्य हो जाता है संसार में, शक्ति छीण ही नहीं होती। शक्ति छीण नहीं होगी तो वास्तव में कन्या माता ही रहेगी या कन्या रहेगी? कन्या की कन्या ही रहेगी। ये अंतर पड़ जाता है। बाबा सावन के महीने में बेलपात चार्जिंग कराया, तीन मौसम हैं। बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम। और बरसात के मौसम में भी सबसे ज्यादा बरसात का महीना कौन सा होता है? श्रावण। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी तीन मौसम हैं, गर्मी का मौसम,
सर्दी का मौसम और ज्ञान बरसात का मौसम। कवियों ने भी पहले से बोल के रखा है सतो प्रधान स्टेज में, एक ऐसा समय आवेगा कि सारी दुनिया में काल भी मंडराता फिरेगा और सारी दुनिया में ज्ञान की बरसात होती रहेगी। भौतिक दुनिया में देखें तो सतयुग त्रेता है, सर्दी का मौसम, द्वापर कलयुग है, गर्मी का मौसम, और संगम युग बरसात का मौसम। लेकिन सारे संगम युग में लगातार ज्ञान बरसात होती है या बीच बीच में सूखा भी पड़ता है, तो उसको तो श्रावण का महीना नहीं कहेंगे। तो श्रावण का महीना कौन सा होता है? श्रावण का महीना वही कहेंगे जब सुबह से शाम तक मंदिर में, शिव के मंदिर में फूल चढ़ाने वालों का तांता लगा रहता है। वो श्रावण का महीना है। उस श्रावण के महीने में जो तीन पत्ते वाला बिल्व पत्र है वो चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीन आत्माएं कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, यही तीन पत्र हैं। ये तीन पत्ते अभी वर्तमान स्टेज में ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली, विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली, शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली, ये अव्वल नंबर जो तीनों प्रकार का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो शिव के ऊपर पूरी अर्पण हुई कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी वर्तमान में नहीं कहेंगे। जिस समय श्रावण का महीना शुरू होगा उस समय पहले पहले ये तीन पत्ते शिव के ऊपर पूरे ही अर्पण हो जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में श्रावण के महीने में वो अव्वल नंबर के तीन पत्ते शिव के ऊपर अर्पण किए जाते हैं। हाँ तो चलो हम नहीं बोलेंगे। बाबा कहता है, बाबा कहता है मैं सभी को साथ में लेके जाऊंगा, लेकिन 2008 में जो लक्ष्मी नारायण संपूर्ण स्टेज बन जाएगा, प्रत्युष हो जाएगा, तो उस टाइम नारायण का रूप में सभी के साथ में लेके जाएगा, उस टाइम मुकर रहेगा कैसे? नारायण वाली आत्मा उसका काम के आधार पर नाम पड़ा है या ऐसे ही नाम पड़ गया? क्या काम करती है? उसका मुख्य काम क्या है? जो उसका नाम ही नारायण पड़ा, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो 24 घंटे ज्ञान जल में ही रहती है, ज्ञान जल से कभी बाहर नहीं आती है, ईश्वरीय ज्ञान में ही रमण करती रहती है, वो नारायण की आत्मा है। और ज्ञान जल में जो रमण करेगा सदैव वो सात्विक स्टेज में रहेगा या तामसी स्टेज में रहेगा? सात्विक स्टेज में रहता है। सतयुग के देवताएं भी इतनी सात्विक स्टेज में नहीं होंगे जितनी सात्विक स्टेज में
नारायण वाली आत्मा रहती है। कैसे कहें? ऐसे कहें कि सतयुग में जो देवताएं होते हैं वो विकारी सर्पों का संग नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं करते हैं। और विष्णु को कैसी स्टेज में दिखाते हैं? सांपों के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, उनका कोई असर नहीं होता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। बाबा भी मुरली में क्या कहते हैं? सौ बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रहे, उसको कहेंगे नारायण। तो क्या प्रश्न है आपका? नारायण जब बनेगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा? है? ऊंची स्टेज। हाँ, तो जो ऊंची स्टेज होगी वो परमधाम से वापस आने की स्टेज होगी या बिना वापस गई स्टेज है? है? हाँ, परमधाम से जो सात्विक धाम है जहां से सभी आत्माएं इस रंगमंच पर आती हैं, तो कैसी स्टेज में आती हैं? सात्विक स्टेज में आती हैं या तामसी स्टेज में आती हैं? तो नारायण भी सात्विक स्टेज में होगा। हाँ, जब जाएगी तो नारायण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? है? अरे झाड़ में, झाड़ के चित्र के ऊपर कौन सा चित्र दिखाया है? शंकर का चित्र दिखाया है। उसका काम ही होगा सब आत्माओं को खींच के ऊपर ले जाना, परम धाम ले जाना। मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। इतनी मीठी दृष्टि होगी कि बरबस आत्माएं उसे याद में खींची चली जाएंगी। उसके लिए निमित्त कौन होगा? निमित्त माने साकार रूप कौन होगा? नारायण है या शंकर? है? क्या कहेंगे उसे? है? शंकर कहेंगे। नारायण देवता है या भगवान है? नारायण तो देवता है, ऊंचे ते ऊंचे, बल विश्व का मालिक भी है, लेकिन वो भगवान भगवती की स्टेज जो है वो असली भगवान नहीं है। भगवान अकेला होता है या दो दो होते हैं? भगवान तो हमेशा अकेला होता है, गॉड इज वन। भगवान भगवती इसलिए बोला कि सुप्रीम सोल जिसमें मकरर रूप से प्रवेश होकर के संसार में भगवान बन के प्रत्यक्ष होता है वो है भगवान। माने शंकर का रूप भगवान का प्रैक्टिकल साकार रूप है और नारायण का रूप भगवान का प्रैक्टिकल साकार रूप नहीं है, वो सिर्फ टाइटल मात्र है भगवान भगवती। वास्तव में भगवान तो अकेला ही होता है। ये इसलिए जो ऋषि दुर्वासा है जो महादेव को श्राप दिया था जे जब जब शादी होगा शंकर होगा शंकर पार्वती के साथ तब वास्तविक रूप में शादी नहीं होगा तो मनुष्य बन के उसको शंकर होगा, ऐसे कुछ हुआ था जो 2018 में जो होने वाला है राम सीता का साथ जो शंकर होगा 2018 में क्या होने वाला है शंकर? टीवी देखने से ऐसे ही हो जाता है। लक्ष्मीनारायण का पाठ है ना जो जो साईं बाबा जो बोला जाते हैं वास्तविक रूप में शादी नहीं होगा तो मनुष्य रूप में शादी करना पड़ेगा।
तुम बच्चों को नर से नारायण बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से ज्यादा, ज्यादा 50 से ज्यादा। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो एक बच्चे की बात बताई या बहुत बच्चों की बात बताई? एक बच्चे को 40 से 50 वर्ष। तुम बच्चे जिन्हें कहते हैं वो राजयोगी बच्चे हैं, राजयोग सीख करके राजाई लेने वाले बच्चे हैं या बाहर की दुनिया के बच्चे हैं? है? राजाई लेने वाले बच्चे हैं। वो एक होंगे कि अनेक होंगे? हाँ, तो टाइम की लिमिट बताई कि राजयोग सीख करके राजाई का वर्षा लेने वाले जो 16108 हैं, उनको प्रत्यक्ष होने में, पूरी राजधानी बनने में कितना टाइम लगेगा? 40 से 50 माने 10 वर्ष का टाइम निश्चित किया। ये राजाओं के कंप्लीट होने का टाइम है। राजा रानी अथवा जो भी राजकुमार और राजकुमारियां रूप टाइटल धारण करने वाले होते हैं वो सब उस लिस्ट में आ जाएंगे। मन सतयुग की है आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक जितने भी प्रिंस प्रिंसेस भी बनने होंगे, राजाएं बनने होंगे, महाराजाएं बनने होंगे, रानियां बननी होंगी, महारानियां का टाइटल धारण करने वाली होंगी, त्रेता के अंत तक कितनी संख्या होगी? 10 करोड़। यहाँ राजाई पाने वालों की बात हो रही है या प्रजा की बात हो रही है? 16108 की संख्या पूरी होगी त्रेता के अंत तक। राजाएं तैयार होंगे बाद में उनकी प्रजा भी तैयार होगी, 10 साल उनके लिए भी रह जाएंगे। ये सूर्यवंशियों की बात है। तो ऐसे नहीं 2018 में स्वयंवर हो जाएगा। अनुमान से कोई काम करना, अनुमान से क्या होता है? नुकसान हो जाता है। और अपने वातावरण में है ना, अगर कोई सोल प्रवेश करके कोई काम करवाते है काल में निकाल में, तो उसका जिस सोल प्रवेश करके काम करते है तो उसको पाप करता है। हाँ, जिसका शरीर होगा उसी का पाप और पुण्य बनेगा। ब्रह्मा वाली आत्मा, उसको शरीर है या नहीं है? अपना है? नहीं है। परंतु वो जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है उसका पाप और पुण्य बनता है या ब्रह्मा वाली आत्मा का बनता है? ऐसे ही है। अगर उनका भी पाप पुण्य बनता रहे फिर तो अचानक बीच में ही अकाले मौत का कोई मतलब ही नहीं रहा। अकाले मौत उन्हीं की होती है जो बहुत पाप करते हैं। उनके पाप अति की तीव्र गति से न बढ़ जाएं, रुक जाएं। इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। और सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद भी पाप पुण्य बनते रहे तो अकाले मौत क्यों हुई? इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएं होती हैं वो प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं तो उनका पाप और पुण्य
नहीं बनता है, शरीरधारी का बनता है। हैं? अरे बाबा ने तुमको पुरुषार्थ नहीं बताया क्या करना है? आगे चल के इतने इतनी ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, मल्टी स्टोरीज, और एक एक शहर में हजारों की तादाद में बन रही है, और उसमें कितने लोग रहते होंगे? लाखों करोड़ों की तादाद में लोग रहेंगे, और अंत में भूकंप आएंगे और ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे, तो कितने मरेंगे? अकाले मौत मरेंगे ये, या साधारण मौत मरेंगे? वो क्या बनेंगे? हैं? भूत प्रेत बनेंगे। वो कहां जाएंगे? हैं? प्रवेश करेंगे। उसके लिए बाबा ने कोई तरीका नहीं बताया, कोई सेफ्टी का तरीका आपको बताया ही नहीं अभी तक, तो बैठे पूछते क्यों हो? क्या तरीका बताया? हैं? याद और प्रसाद। हाँ, अगर आत्मिक स्टेज होगी, बिंदु रूप स्टेज बनाएंगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, स्टार हूँ, तो इतना सूक्ष्म स्टार होने के कारण उसमें वो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देवान में रहते हैं, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस ही नहीं करते, कमजोर पुरुषार्थी हैं, बैटरी पूरी भरते ही नहीं। बैटरी चार्ज करनी चाहिए ना, तो कमजोर आत्मा हो जाते हैं या पावरफुल रहते हैं? बैटरी कमजोर होती है तो उसमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, आगे चल के बहुत प्रवेश करेंगे। 33 करोड़ देवताएं हैं, जिनमें ऊपर से आने वाली 500-700 करोड़ आत्माएं प्रवेश करती हैं। तो 33 करोड़ और उसमें भाग दे दो 500-700 करोड़ का है, कितने हो गए? 21 गुने 22 गुने हो गए। एक एक देवता में 21-22 सोल भी प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे सभी में नहीं प्रवेश करेंगे, वो तो एक एवरेज रूप में बता दिया। जो सूर्यवंशी हैं उसमें बहुत थोड़ी आत्माएं प्रवेश कर सकेंगे। जब ज्यादा कमजोर होंगे तो वो बेचारी कहां जाएंगे, उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी, इसी में घुसो तुम। हाँ आप जोड़ी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? हैं? आपको क्या चिंता लगी हुई है? ना ना ना, हाँ? आपने बताया था 21 जन्म का जोड़ी मिलेगा। हाँ मिलेगा। हाँ तो 21 जन्म का जोड़ी जो मिलेगा वो समान पुरुषार्थियों का मिलेगा या असमान पुरुषार्थियों का मिलेगा? जो समान पुरुषार्थी होंगी उनकी जोड़ी बनेगी। और अभी इस कलयुगी दुनिया में जो जोड़ियां बन रही हैं वो समान पुरुषार्थियों की बन रही हैं या असमान पुरुषार्थियों की बन रही हैं? समान पुरुषार्थी हैं 100% में लक्ष्मी नारायण, तो उनमें कभी झगड़ा होता है क्या? अंतिम जन्म तक भी झगड़ा नहीं होता, आदि सो अंत गाया हुआ है। आदि के जन्म में विष्णु रूप है तो अंत के जन्म तक भी क्या बन के रहते हैं? विष्णु रूप बन के रहते हैं। वो अविनाशी पद है। कौन सा अविनाशी पद है? अरे अरे गीता में कोई परम पद गाया हुआ है?
शिव को परम पद कहेंगे नहीं कहेंगे? कौन सा है परम पद? विष्णु रूपी ही परम पद है। बाबा जो हमारे सेनापति प्रधानमंत्री जैसे होते हैं वो किस किस में आते हैं? ये सृष्टि के अंत में प्रधानमंत्री बने हैं, इनको सृष्टि के अंतिम जन्म में आकर के ताज पतलून मिली है। यह सतो प्रधान सतयुग में मिलती है। ये नहीं पढ़ा। सुनो तो, इनको ताज पतलून कहाँ मिलती है? तमो प्रधान दुनिया में आखिरी जन्म में आकर के थोड़े समय के लिए, कितने समय के लिए? 5 साल के लिए, वो भी कोई जरूरी नहीं, हो सकता है बीच में भी उतार दिए जाएं। इतनी अल्पकाल के लिए ताज पतलून मिलती है, तो इन्होंने पुरुषार्थ कब किया होगा? है एकदम जब अंत आ जाता है तब इनकी बुद्धि में बैठता है कि भगवान कौन है। नहीं तो ये नेता लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने वाले क्या समझते हैं? हम इस दुनिया को क्या बनाने वाले हैं? है? स्वर्ग बनाने वाले हैं। हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे, हम इस नगरी को स्वर्गीय नगरी बना देंगे, हम इस दिल्ली को क्या बना देंगे? इंद्रप्रस्थ बना देंगे, सतयुगी राजधानी बना देंगे। उनकी मेंटेलिटी ऐसी ही होती है या कुछ भिन्न होती है? है भिन्न होती है, है? वो इस वर्तमान दुनिया को स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ में नहीं लगे रहते, लगे रहते। और अच्छी बात है कि भाग का कोई पाठ है राजा का, ये जो 5000 वर्ष का जो दावा है उसमें बाप का कोई राजा का पार्ट है, तो उसमें साथ में जो सेनापति अमात्य वगैरह बनते हैं तो वो किस लिस्ट में जाते हैं? जो राजा 108 शूटिंग पीरियड में उन्होंने सहयोग नहीं किया होगा, बाप का सहयोग किया होगा। जो सेनापति बनते हैं, राजा के सेनापति बनते हैं, महामंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में सहयोगी बनते हैं, तो संगम युग में सहयोगी नहीं बने होंगे, हैं? बस संगम युग में नजदीकी हैं, सहयोगी हैं, तो वहां भी बनते हैं। यहां नजदीकी नहीं है, सहयोगी नहीं है, तो वहां भी नहीं बनेंगे। और शंकर पहले पार्वती का नाम नहीं आता, लेकिन एक जगह आया गौरी शंकर। हाँ ठीक है, इसका राज ये है कि भगवान पवित्रता को आगे रखता है या अपवित्र को आगे रखता है? हैं? पवित्रता को आगे रखता है, इसलिए गौरी शंकर नाम है। गौरी को आगे किया है, शंकर को बाद में किया है। जब कहते हैं शंकर पार्वती, तो भले पार्वती पार लगाने वाली है, फिर भी शंकर का नाम आगे। क्यों? क्योंकि शंकर में भगवान प्रवेश है, भगवान से तो ऊंची पार्वती नहीं है। वैसे राधा कृष्ण कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, लेकिन ये जो नाम है पेयर्स में, इनमें भगवान कोई नहीं है। कोई है भगवान? है? राधा कृष्ण भगवान है कोई? दोनों में से कोई भगवान नहीं। सीता राम में से कोई भगवान है? कोई नहीं। लक्ष्मी नारायण में से कोई भगवान है? कोई नहीं। लेकिन जब कहते हैं शंकर पार्वती,
तो कौन भगवान का साकार रूप है? शंकर भगवान का साकार रूप है। क्या प्रूफ है? अरे कोई प्रूफ भी होना चाहिए, ऐसे ही बकबक करते रहते लोग हैं? हाँ, कि शिव के साथ सिर्फ शंकर का ही नाम लिया जाता है 33 करोड़ देवताओं में से, और कोई भी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। इससे साबित होता है कि वास्तव में शिव परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई न कोई को आप समान 100% बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? कोई आत्मा है जो शिव समान बनती है, भले सदाकाल के लिए नहीं बनती है, फिर भी मुरली में क्या बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। तो वो शिव बाबा कौन हुआ फिर? संगम युग में जिसमें मकर रूप से प्रवेश होता है वही आत्मा शिव बाबा कही गई, जो बाप समान बन जाती है। 84 जन्म तक हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। जो हीरो पार्टधारी है वो ऊंची ही पार्ट बजाएगा या नीचे भी रहेगा, ऊंचा ही पार्ट बजाता है।